खरगोन में श्री रेवा गुर्जर महिला संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस के अवसर पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में उपस्थित महिलाओं ने परंपरागत संस्कृति में आ रहे बदलाव पर भी चिंता व्यक्त की। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष आरती पाटिल के दिशा निर्देश में कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। जिला अध्यक्ष बरखा रमेश चंद्र मंडलोई ने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में पूरे साल कई तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें हर त्योहार का अपना महत्व होता है। रंगों का पर्व फाग उत्सव प्राकृतिक सुंदरता और हंसी खुशी से मेल मिलाप बढ़ाने का त्योहार है। आज की नई पीढ़ी अधिकांश समय टेलीविजन और मोबाइल पर बिताती है। पहले टोली के आते ही ढोलक और मंजीरों की मधुर धुन के बीच चारों ओर फाग उत्सव के गीत सुनाई देते थे, परंतु आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह परंपरा लुप्त सी हो चुकी है। इस तरह के सामाजिक आयोजनों से हमारी नई पीढ़ी में त्योहारों और संस्कृति को जीवंत रखने की एक पहल की जा रही है। कार्यक्रम में तुलसी पटेल और आशा पटेल को राधा कृष्ण बनाया गया और कृष्णा इंगले, सुशील गुर्जर, मनोरमा वर्मा, जयंती पटेल, मीरा मंडलोई, कुसुम चौधरी, रमीला मंडलोई, प्रेमलता मंडलोई, मंगती मंडलोई, अनीता बिरला, भाग्यश्री मुकाती, रजनी मंडलोई, कविता गुर्जर और उपस्थित महिलाओं ने सामूहिक फाग गीत गाए और सूखे रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।